नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों ने आज और कल झारखंड बंद का आह्वान किया और इस बंद को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बंद से निपटने के लिए रांची में 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास इलाके में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरे से भी शहर की निगरानी की जाएगी। रांची एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि बंद को लेकर शहर के सभी डीएसपी और थानेदारों को सतर्क किया गया है। इधर बंद से एक दिन पूर्व शुक्रवार देर शाम रांची समेत कई जिला मुख्यालयों में बंद समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला। बंद को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। रांची में 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। बताया आपको, नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठन सड़क पर उतर आए हैं। दो दिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया है इन्होंने। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। दो दिवसीय झारखंड बंद को लेकर रांची पुलिस अलर्ट है। शहर को कई जोन में बांटा गया है। हर एक जोन में डीएसपी और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बनाई गई है टीम। बंद समर्थकों से एसएसपी ने की अपील की है, जबरन बंद कराने पर सख्त कार्रवाई होगी। विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात किए गए सुरक्षा बल, संवेदनशील इलाकों में रखी जा रही है नजर, कहा है एसएसपी ने। तो कई जोन में बांटा गया है। बताया आपको कि 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। बंद समर्थकों से एसएसपी ने अपील की है कि जबरदस्ती बंद ना करवाएं, अगर ऐसा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात किए गए हैं सुरक्षा बल, संवेदनशील इलाकों में रखी जा रही है नजर, सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। दो दिवसीय झारखंड बंद को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। शहर को कई जोन में बांटा गया है और हर जोन में मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। हर एक जोन में डीएसपी और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। संवेदनशील इलाकों में रखी जा रही है नजर और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठन सड़क पर उतर आए हैं। दो दिनों का ये झारखंड बंद का आह्वान है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। शहर को कई जोन में बांटा गया है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें नियोजन नीति के खिलाफ, जो कि 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ दो दिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया गया, छात्र संगठन जो है इस बंद का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बंद को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। डिफरेंट जोन पर रांची को बांटा गया है, जिसमें डीएसपी और मजिस्ट्रेट की के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जो अलग अलग जोन पर तैनात किए गए हैं। और ये लगातार डीएसपी और जो मजिस्ट्रेट है वो मॉनिटरिंग करें, लेकिन राजधानी में बंद का असर क्या है, किस तरह से कहा है, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा करके समझा देते हैं कि दिन के इस वक्त 9 बज गए हैं और 9 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं, जो आवागमन है, वो पूरी तरीके से सामान्य तरीके से दिखाई दे रहा है। जो सुचारू रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्शे होते हैं, ई रिक्शे होते हैं या फिर सिटी बस का संचालन होता है, ये सारी चीजें जो है अमूमन आम दिनों की तरह चल रही है। होटल रेस्टोरेंट जो है वो अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए, क्योंकि राजधानी में जो दुकानें खुलने की जो समय है दिन के 11 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे के बीच में सारी दुकानें खुल जाती है, क्योंकि सुबह के 9 ही बज रहा है। ऐसे में दुकानें अभी जाहिर सी बात है लाजमी है कि वो सारी दुकानें
बंद होगी, लेकिन सड़कों पर जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कम से कम ये समझा जा सकता है कि राजधानी रांची में कम से कम शहरी क्षेत्र का वो इलाका हार्ट ऑफ द सिटी जो कहा जाता है, राजधानी रांची का अलवेटिका चौक भी शहर के हृदय स्थल पर ये बसा हुआ है। ऐसे में इस जगह की अगर हम बात करें तो बंद का असर जो है इस जगह से आकलन किया जाता है कि राजधानी में बंद का असर जो है वो क्या हर किस तरह से है। पिछले बार जब छात्र संगठनों ने बंद बुलाया था उस वक्त कड़े सुरक्षा के इंतजाम आपको इस जगह पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब आलम यह है कि एक भी बंद समर्थक आपको सड़कों पर दिखाई दे नहीं रहे हैं। छिटपुट बंद समर्थक जो है देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में 4-5-7 की संख्या में बाइक में सवार होकर के कुछ जगहों पर हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, बंद करवाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो परिचालन है सामान्य तौर से चल रही है। तो वही सुरक्षा की अगर हम बात करें, राजधानी रांची में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, डीएसपी और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। रांची एसएसपी ने साफ कहा है कि पूरे मामले पर कि अगर जबरन बंद कराने की कोशिश अगर बंद समर्थकों के द्वारा की जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाया जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है, तो रांची पुलिस इन बंद समर्थकों से सख्ती से निपटेगी। जिला प्रशासन ने भी ऐसे बंद समर्थकों को चिन्हित करने का काम किया है, उसे नोटिस दिया गया है, नोटिस देने के बाद जवाब भी मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं बंद को लेकर के एक तरफ कहें तो रांची पुलिस और जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारियां आपको सड़कों पर दिखाई दे रही है। जगह जगह पर विभिन्न चौक चौराहों पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बंद समर्थकों की अगर हम बात करें तो वो सड़कों से नजराज हैं, वो दिखाई दे नहीं रहे हैं। और बंद का असर जो है राजधानी रांची के शहरी क्षेत्रों में अगर हम कहें तो बिल्कुल मिला जुला दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से सड़कों पर जब गाड़ियां सामान्य तौर से चलती हैं और सड़कों पर जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो बंद समर्थक यार जो बंद का असर होता है वो बेअसर माना जाता है। ऐसे में दो दिनों का बंद का ये कॉल का पहले दिन कुछ घंटे बंद के हो चुके हैं, तो ऐसे में ये तस्वीर बता रही है कि जो बंद समर्थकों के जो बंद बुलाए गए हैं उसको आम जनता ने ना सिर्फ नकारा है बल्कि जो आवागमन है, जो सुचारू रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सिटी बस है, गाड़ियां हैं, वो तमाम जो चीजें हैं वो चल रही है। ज्यादातर स्कूल कॉलेज जो है वो अपने निर्धारित जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ लगातार चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रत्येक थाना प्रभारी या डीएसपी को ये हिदायत दिए गए हैं कि अगर बंद समर्थक सड़कों पर मौजूद होते हैं या दिखाई देते हैं तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। कुछ जगहों पर जिस जो लंबी दूरी की बसें होते हैं खासकर रांची या जमशेदपुर वाले मार्ग में आपको बसों का परिचालन जो है वो थोड़ी बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि बंद के दौरान अमूमन फर्स्ट हाफ में जो सड़कें हैं वो खाली रहती है और जो दूसरे हाफ में सारे बसें जो है वो चलनी शुरू हो जाती है। तो राजधानी रांची में अगर हम कहें तो बंद का मिला जुला असर जो है वो दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्र शहर के बीच में बंद समर्थक दिखाई दे नहीं रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की गई है और ज्यादातर दुकानें और गाड़ियों का परिचालन जो है वो सामान्य रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए नजर बनाए रखिए, इमरान अपडेट लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर राजधानी रांची के अलवा टिक्का चौक की दिखा रहे थे सहयोगी इमरान, जहां पर बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का जो समर्थक है वो छात्र संगठन के वो दिखते हुए नजर आए और उन्होंने निवेदन किया बंद को लेकर, लेकिन जैसे रोजमर्रा के काम पे लोग निकलते थे उसी तरह निकल रहे हैं और फिलहाल बंद का कुछ खास असर शहरी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिल रहा है। तो नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद का आह्वान किया है छात्र संगठनों ने, दो दिनों का बंद कॉल किया है इन्होंने, छात्र संगठनों ने आज और कल बंद बुलाया है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, 1500 से ज्यादा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।